नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आज मैं एक अचार बनाऊंगी, अचार मीट का। ठीक है, आप कोई भी मीट ले सकते हैं, मटन, चिकन, बट उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए और छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेनी है। तो ये है वफ, है वफ, वफ का मीट है और इसको मैंने छोटे छोटे काट लिए है। ठीक है, छोटे छोटे काट लिए। आप कोई भी मीट ले, से मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं जिसमें कांटा ना हो, और इसकी भी अचार बना के आप बोतल में डाल सकते हैं। तो इसको मैंने छोटे छोटे काट के रात भर इसको मैंने फ्रिज में मैरिनेट करके रख दी थी। इसमें मैरिनेट में मैंने क्या क्या डाला हुआ है? विनीगर डाला हुआ है, और ये है 1 किलो। 1 किलो से भी मैंने चून की यहाँ से फेंकी हूँ साफ करके, तो ये 1 किलो है। तो मैंने इसमें एक दो ढक्कन विनीगर डाले थे, और छोटा छोटा ढक्कन, छोटा है इतना छोटा, मतलब 1 चम्मच भी नहीं जाएगा उसमें बड़े चम्मच का। ठीक है, और मैंने इसमें डाले हैं हर्ब, डाले हैं मिक्स हर्ब, डाले हैं विनीगर, डाले हैं नमक, डाले हैं हल्दी, डाले थोड़े से सोया सॉस डाले हैं, और हल्दी, हाँ, और कुछ नहीं डाले। अब लास्ट में डालूंगी इसमें मिर्च और जीरा, जीरा पाउडर भुनी हुई। तो अभी कढ़ाई गरम हो रहा है, अभी इसको काफी देर पकाना है। आसान नहीं है ये बनाना, बहुत वक्त लगता है इसके लिए। ये सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं, बहुत वक्त लेता है, आसान भी नहीं है, जल्दी भी नहीं बनता इतना कि। अचार है इसीलिए तेल तो चाहिए चाहिए भाई, थोड़ा ज्यादा। तो इसको आप बोतल में रख के 1 महीने तक खा सकते हैं। कभी देख रहे हैं कैसा हो गया है। रात भर इसको मैंने एयर टाइट जार में बंद करके, ऐसे बंद करके फ्रीजर में डाल दिए थे। इसमें दो चीज, अभी मैं मिर्च नहीं डाली हूँ, लाल मिर्च कुटी हुई, वो मैं लास्ट में आखिरी में डालूंगी, और कुटी हुई भुनी हुई जीरा, वो भी आखिरी में डालूंगी। पहले मैं ये डाल देती हूँ, इसका पानी निकलेगा, बहुत वक्त लगेगा ये बनने में, तो मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगी, मतलब टाइम लेके, बहुत टाइम लेके, 45 मिनट्स तो इसको वो करूंगी, मैं सिमर में पकाऊंगी पहले ढक के, फिर जब ये पूरा सूख जाएगा पानी, फिर जाके मैं चलाती रहूंगी, चलाती रहूंगी, चलाती रहूंगी, फिर जाके ये बनेगा। बस इसको अब ढक दूंगी मैं, बीच बीच पे आके ऐसे ही 5-5 मिनट बाद आके इसको चलाऊंगी और देखती रहूंगी, और ये होता रहेगा, ऐसे बनाऊंगी मैं इसको।
सुखाऊंगी इसको, पूरा सुखाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है, अभी जो मैरिनेट किया हुआ है उसी में ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं पानी ऐसे निकलेगा, इसी के रस से, अपना ही रस से ये सूखता रहेगा, और ऐसे ही इसको सुखाती रहूंगी मैं, पानी सानी सारा कुछ सूख जाएगा। अभी एकदम धीमी आंच में पक रहा है ये, एकदम धीमी आंच में, आपको एकदम धीमा कर दी हूँ और ये बस ढक दी हूँ, कुछ नहीं करना, इसका खुद का ही पानी निकल रहा है। और मैं अभी जीरा लाई हूँ ना, नीचे दुकान गई थी, मैंने देखा कि साबुत जीरा मेरे पास खत्म हो गया, मैं इकट्ठा ला के रखती थी बिग बाजार से काफी सारा, लेकिन सारा खत्म हो गया है, तो मैंने अभी नीचे दुकान से लाई हूँ, तो थोड़ा गंदा जैसा लग रहा है, तो इसको साफ कर रही हूँ मैं। मेरे पास तो यहाँ पे है थोड़ा सा जीरा, इतना काफी होगा भूनने के लिए। अभी भी देखिए कितना पानी है, थोड़ा सा बचा है, बस सूख जाएगा ये, सूखने के बाद मैं थोड़ा सा बचा है पानी, ज्यादा नहीं है। और अब मैं इस कढ़ाई में मैं जीरा को भून लूंगी और पीस लूंगी। अब देखिए, अब इसको सीख चला 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 के ऐसे सिखाना है, कुछ नहीं करना है, सीख भूनते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। तब तक भुनना है इसको, एकदम ये थोड़ा काला हो जाएगा, ब्लैक बिल्कुल। फिर आखिरी में मैं तीखापन देख के इसमें कितना तीखा है, अभी तो नहीं डालना मैंने, इसमें कितना होगा, ये 1 किलो तो भर के और भी कम हो जाएगा, ये जीरा डालूंगी, टिकी हुई भुनी हुई जीरा लास्ट में। चिकन चिकन के जब चिकन के बनाते हैं इतना वक्त नहीं लगता, बट ये बॉफ का मीट है ना, तो इसलिए वक्त लगता है। चिकन का बनाऊंगी तो बहुत जल्दी हो जाता है, आधे घंटे में हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा वक्त लगा। अब आग तेज करूंगी मैं, अब तक तो मैं धीमी आग में पका रही थी, अब आग तेज करूंगी और भुनूंगी। हाथ दर्द होता है, ये बाजू दर्द हो जाता है चलाते चलाते, अचार बनाने में बहुत मेहनत है।
जो बीफ खाते हैं मुस्लिम लोग वो बीफ का भी बना सकते हैं, चिकन खाते हैं, कोई फिश खाते हैं फिश पसंद हो फिश का अचार भी बना सकते हैं आप, कोई पोक खाते हैं तो पोक का भी बना सकते हैं, अपने अपने हिसाब से बस। लेकिन आपको लेना है रेड मीट हर चीज़ का, जैसे आप पोक का बना रहे हैं तो आप वो फैट नहीं लेंगे, सिर्फ लाल वाला मीट ही लेंगे, और चिकन का भी, चिकन का छोड़ो बीफ का भी वही चर्बी और भी कुछ नहीं डालेगा, एक चर्बी भी नहीं पड़ेगा इसमें, ना हड्डी ना चर्बी कुछ नहीं। पिछले करीब कितने घंटे से, 1.5 घंटे तो ऊपर हो गए, सोचिए खाना बनाना इतना आसान नहीं, कोई भी रेसिपी बनाओ कोई भी चीज़ बनाओ जो आपको अच्छा लगे उसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ बन जाए कब, और इसको सूखा सबसे मैं हिला रही हूँ, मेरे बाजू भी दर्द हो गए, इसका रंग भी चेंज हो गया, देखिए कल कैसा हो गया ब्लैक। मैंने तीखा लाल डाले थे ना थोड़ा, सोया सॉस भी डाले थे तो ब्लैक। पहले मैं बहुत बार बना चुकी है, जब मिस्टर बदान बाहर थे अफगानिस्तान में तब 2.5 किलो 3 किलो बनाती थी लाके और बोतल में डाल के उनको भेजा करती थी। जब छुट्टी पे आते थे वो ले जाते थे। लेकिन तब भी मेरा हाथ दर्द होता था, मैं यहाँ ऊपर बैठ जाती थी, ऐसे बैठ के ना यहाँ पे बैठ जाती थी और ऐसे चलाती रहती थी, नहीं तो बहुत दर्द होता है। एक तो मेरा हाइट शॉर्ट है, ऊपर से ये करती कितने घंटों से चला रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे ही पता है। पिछले 45 मिनट तो मैंने कुछ नहीं किए, सिर्फ ढक ढक के पानी पूरा सूखने दिया सीम करके, 45 मिनट तक तो मैंने ऐसे ही पकाया इसको। जब सारा पानी सूख गया तेल छोड़ने लगा उसके बाद से मैं इसको भून रही हूँ। खाओगे ना, खाना है तो मेहनत तो करना ही है भाई, मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, टेस्टी नहीं मिलेगा। दर्द हो गया। इस मीट को कैसे पता लगेगा कि ये बन गया है, इसको ऐसे टच करना है, दबाना है, तो ये अगर सख्त हो ना थोड़ा कड़ा कड़ा तो समझना ये रेडी हो गया, अगर नरम रहेगा ना तो समझना ये अच्छे से नहीं पका, इसका पानी है अंदर अब भी। देख रही हूँ, मुझे थोड़ा हार्ड ही पसंद है ये अचार, क्योंकि रखते रखते नरम हो जाएगा। तो चलो अब मैं इसको गैस ऑफ कर देती हूँ, गैस ऑफ करके मुझे डालना है
गैस मैंने ऑफ कर दी है, अब ये ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। ये आपका हो गया अचार। इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। अभी भी कढ़ाई गरम है ना, तो इसकी खुशबू वाह। जीरा डालने के बाद इसकी खुशबू जो है इतना मजेदार आ रहा है, वाह। अगर आप चाहे तो अब आप इसको चख के कितना तीखा डालना है, एक पीस चख के फिर आप तीखा डाल सकते हैं। तीखी क्या, तीखा मिर्च डालेंगे, तीखी लाल कुटी हुई मिर्च डालना सूखा। अब इसमें कुछ नहीं डालेगा और कच्चा वच्चा कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ सूखी मिर्च डालना है। ये देखिए पक गया। ठंडा हो जाने के लिए फिर इसको बॉटल में भर लूं। फिर उसे ना तीखा नहीं हुआ है ज्यादा, मैं थोड़ा तीखा और डाल लूं। अचार है ना, तीखा ना डाले तो कैसे चलेगा, तीखा तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ा तीखा तीखा होगा तभी ना अच्छा लगेगा। चलिए डन हो गया मेरा। अब मैं इसको बॉटल में डालूंगी। बॉटल में थोड़ा, यहाँ बारिश के मौसम है ना, सूख ही रहा है, धो के बाहर सुखाई हुई हूँ, जैसे सूख जाए पोंच पाच ली इसमें डाल दूंगी मैं। सूखी बुआई हो भीतर तो अच्छी से टिश्यू पेपर बन गई। एक्चुअली मिस्टर प्रधान को ना कभी कभी ड्रिंक के साथ ही पसंद है, ड्रिंक के साथ खाना, ड्रिंक जब लेते हैं कभी कभार घर में कुछ ओकेजन कुछ होता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए ये लंबा हो जाएगा वीडियो काफी।
क्योंकि अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने फिर बॉटल से उसको डाल दिया, गर्म था, बॉटल टूट जाता। तो बाद में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी पे। अच्छे रहिएगा, तब तक स्वस्थ रहिएगा, सभी अच्छे से मजे कीजिएगा। मैं कट कर रही हूँ, मुझे